बुलंदशहर के दलित रेप पीड़िता का शव बुधवार शाम को जैसे ही गांव पहुंचा तो गांव में पसरा सन्नाटा चीख पुकार में तब्दील हो गया। बिटिया के परिवार को बिलकता देख जहां गांव में मौजूद हर आंख से आंसू छलक आया तो वहीं चीख पुकारों को सुनकर हर गला भी भर आया। इस दौरान प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रखता नजर आया और गमगीन माहौल में इस बिटिया को अंतिम विदाई दी गई। बुलंदशहर की बिटिया को जिंदा जलाने वाले 5 गुनहगारों को जहां पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया तो वहीं बुधवार सारा दिन बिटिया के परिवार समेत गांव में मौजूद हर शख्स की नजर एम्बुलेंस का इंतजार करती नजर आई। एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही गांव में पसरा सन्नाटा दर्द भरी चित्कारों में तब्दील हो गया और एम्बुलेंस में बिटिया का शव उतरता देख मृतक रेप पीड़िता की मां सदमे से बेहोश हो गई। दरिंदे की हैवानियत का शिकार होने वाली बेटी की लाश देखते ही परिवार जनों में कोहराम मच गया। इस दौरान गांव में तैनात फोर्स के माथे से पसीना टपकता रहा और वहां मौजूद हर अधिकारी फूंक फूंक कर कदम रखते नजर आए। हालांकि बिटिया का शव पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भाई द्वारा मृतका को मुखाग्नि दी गई। पुलिस की मौजूदगी में ही बिटिया के शव को शमशान तक पहुंचाया गया। मामले पर राजनीति भी देखने को मिली। दिल्ली के अस्पताल से पीड़िता की मौत की खबर बुलंदशहर पहुंचने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बिटिया के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सरकार से इंसाफ की मांग की। जहां पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा तो वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित न होने की बात कही। जबकि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। मामले पर बुलंदशहर एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। शासन ने सीओ को किया सस्पेंड। रेप पीड़िता को जिंदा जला देने की जानकारी जैसे ही डीएम एसएसपी को मिली तो एसएसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल लाइन हाजिर करते हुए हल्का इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। वहीं घटना में विवेचक अनूप शहर सीओ अतुल चौबे की लापरवाही पाए जाने पर शासन द्वारा उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। जबकि पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया। वहीं बुधवार को डीएम एसएसपी ने मृतका के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और हर संभव मदद दिलाने की बात कही। जबकि पीड़ित परिवार को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत 3,75,000 की आर्थिक सहायता भी दी गई। शासन के अधिकारी मौजूद हैं और रात से ही हम लोग उसमें फॉलोअप कर रहे हैं। यहाँ से एसपी क्राइम हैं, तहसीलदार हैं, वहाँ के आरएमएल की अथॉरिटी, वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से हम लोग कंटिन्यूसली संपर्क में हैं। वहाँ का रूल है कि कोविड का टेस्ट होने के बाद ही होता है। कोविड का टेस्ट करवाया गया है, नेगेटिव आया है। अभी पीएम की प्रक्रिया चालू हो गई है। एज सुन एज पीएम खत्म होता है वहाँ पे एम्बुलेंस ऑलरेडी लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, हम उनको सुरक्षित यहाँ तक ले आएंगे। मोस्ट लाइकली आज शाम तक आ जाना चाहिए। सब परिवार इनिशियली एक टाइम पे सुरक्षा की डिमांड कर रहा था लेकिन उसके बाद भी सब पुलिस ने उसको एकदम बहुत ढिलाई से इस पूरे मामले को लिया। आपको नहीं लगता है कि पहले ही लुकआउट करते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतना ये सब कुछ नहीं होता? देखिए, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं देखकर निगरानी की जा रही है और इसलिए चूंकि महिला का केस है तो महिला क्षेत्र अधिकारी जो वंदना शर्मा हैं उनको इंक्वायरी दी गई है। और इसमें मैं आपको इतना आश्वस्त दिला सकता हूं जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें किस तरीके से पता लगा, आग कैसे लगी, कौन लगाया, कुछ क्लियर हुआ? देखिए, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी ऑफिसर का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई। इतना मैं आश्वस्त दिला सकता हूँ कि जो भी दोषी रहेंगे, सरकार भी बहुत संवेदनशील है और हम लोग भी संवेदनशील हैं इसके प्रति, जो भी हो सख्त कार्रवाई। मौके से फॉरेंसिक जांच वगैरह कराई गई थी, उससे क्या निकल के आ रहा है? देखिए, हमारी जो विज्ञान प्रयोगशाला की टीम जनपद स्तर की है उसके द्वारा आकर के जितने भी पॉसिबल एविडेंसेज मौके पर उपलब्ध थे उन सबको कलेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद जो है फिर इसको सील करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो सारी औपचारिकताएं और जो सारी कार्रवाई थी पूरी हो गई। लेकिन क्या सर, दो दिन में पुलिस के ऊपर 2 आरोप लगे हैं, गैंगरेप पीड़िता का मामला और अब ये अगर शाम हो जाती है क्योंकि दिन छुट जाता 5 बजे से, तो हाथरस जैसी घटना ना हो, क्या बॉडी अगर परिवार कहता है क्योंकि हिंदू संस्कारों के हिसाब से सूर्य अस्त होने के बाद संस्कार नहीं होता, ऐसी स्थिति में क्या स्ट्रेटेजी, क्या सुबह तक का टाइम दिया जाएगा?
देखिए अब ये प्रश्न एक विशुद्ध रूप से जो उसके परिजन हैं, उसके पिता हैं, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। पुलिस उनके साथ है और सहयोग के लिए। सर अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो अब तक 7 में से 5 अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष लोग की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें कई राज्यों में गई हुई है। अभी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, 5 पुरुषों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 7 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया। सर 2 दिन में 2 मामले आए हैं, पुलिसिंग के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। गैंगरेप का मामला जिसमें सुसाइड और अब ये रेप पीड़िता के साथ पुलिसिंग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की दोनों मामलों में, इस पर आपका क्या कहना बतौर कप्तान? देखिए इसमें जो है जो जिनकी गलती थी उन्हें दंडित किया गया है। पिछले जो अनूप शहर थाने का मुकदमा था उसमें विवेचक निलंबित हो गए हैं, क्षेत्राधिकारी लाइन से संबद्ध हो गए हैं, इंस्पेक्टर हटा दिए गए हैं और इस प्रकरण में भी यही कार्रवाई की गई है। जो इस हलके का प्रभारी था जिसका दायित्व इनकी सुरक्षा व्यवस्था का था, जिसके संपर्क में परिवारीजन थे, उस विनयकांत गौतम को निलंबित कर दिया गया है, हलके के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई है, रिपोर्ट प्रेषित कर दी। जांच में क्या आया, किस तरीके से आया? अब देखिए जांच के विषय में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, बिल्कुल वादी के साथ है। पुलिस की शुरुआती जांच में क्या आया, उसने खुद आग लगाई या फिर आग लगाई? इस संबंध में मेरे स्तर से कोई टिप्पणी अभी करना शुरुआती दौर में उचित नहीं। परिवार को सुरक्षा दी जाएगी? बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी और लगातार हम इनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था यहाँ करेंगे। ये था पूरा मामला। दरअसल अगस्त महीने में पीड़िता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस का दावा है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगा चुकी है, मगर आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित परिवार पर न सिर्फ फैसले का दबाव बना रहे थे बल्कि आरोप है कि पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि मंगलवार दोपहर आरोपियों ने उस वक्त पीड़िता को जिंदा जला दिया जब वो घर में अकेली थी। मैं तो भी खाना बना रही कि बेटी 2-3 दिन आते आप धमकी दे जा रही है, बताते ना ही ना रोटी खा रही ना पानी पी रही। मैंने कहा भी तू रोटी खा ले, सब्जी धरी रहती, चाय धरी रहती, ये पीवे ना ही। तो मैं रोटी बना रहा हूँ तो गई तो 2 आदमी इतने आए, दो इतने आए तो गई नौ भाग चली आई नो यहाँ के वो लुक उठ रही यहाँ में मैं खाना बना रही। मैं बोल रही आप कहा आएगा, मैंने तो आज कहते आप मैंने उठाया नहीं है, रजाई डांत डांत दी। मैं बोलो अरे तू कैसे कैसे कहाँ है वो, तू कहाँ है वो, मैंने बात तो तू खाना बनवा रही मेरे संग में खाना बनवा रही। तो वो बोली मोक धमकी दे भाई, मोक धमकी दे भाई, मैं बीवी तू धमकी दे भाई तो तू हमते कहती है कहा। मैं तो जी खाना बना रही, मैंने तो उसके ऊपर आग लगती भाई पर रजाई डाली। आपने देखा था कि जिन लोगों ने आग लगाई थी? मैंने नहीं अभी तक देखो, एक जनो तक देखा तो मैं तो अपनो खाना बना के मैं तो अपनी छोरी पे रजाई डालते आई। आपने तो देखा था इसको? हाँ देखो, भागो हुई तो डांटा बंद रहा उसका। पहचानती हैं आप? नहीं, मुझे नहीं पहचान किसी आदमी। जनपद बुलंदशहर के झंगीराबाद थाना क्षेत्र की उस धरती पर हम मौजूद हैं जहाँ एक किशोरी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ दबंगों ने घर में घुसकर युवती को तेल डालकर उसको जला दिया गया, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ घटनाक्रम रहा इस मामले में उनसे जानेंगे हम। भैया तो कल आपकी जो बहन है छोटी उनको जला दिया गया था, क्या पूरा प्रकरण है, क्या वारदात हुई थी? जी हमें तो इतनी कोई जानकारी नहीं थी, बस हम यहाँ पर रिश्तेदार आए हुए थे हमारे घर पे, वो बोले थे हमें बस छोड़ आना कि हम अपने गांव जाएंगे, अपना हाथ लो कपड़ा बदल लो, हम इतने पल्ले खाना वाना खा के आ रहे हैं, यहाँ पर भी खाना वाना भरना है, हम 2 परिवार हैं यहाँ पर रहते हैं और पास में इतनी कोई फैमिली नहीं है। तो वो गए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, मैं बाथरूम बढ़ाऊँ कपड़ा लेकर नहाने के लिए पूरी तरह से नहा नहीं पाया हूँ। हमारी माँ जी वो खाना बनाए वो एक साथ चिल्ला पड़ी हैं कि आग लगा दी, आग लगा दी, भुजाओ भुजाओ, लेकिन उनके पास आग कंट्रोल भाई वो पूरी होपलेस थी, पूरी समझ नहीं आ रहा कि क्या कर पाऊँ, कपड़ा लेके बस वो बुझाने लगी थी लेकिन कंट्रोल नहीं है। मैं बाथरूम खोल के जैसे बाहर आया तो बहुत तेज़ आग लगी हुई थी हमारी बहन के ऊपर, मैं कपड़ा लेके इस पर बुझाने लगा हूँ, मैंने भी हल्ला काटा है। उससे पहले मुझे बस यहाँ से 2 लड़के भागते हुए दिखाई दिए दीवार कूद के, अब उसके बाद ये फैमिली आई हमारी वहाँ से चाचन यहाँ से, वो भी बुझाने लगे हैं आग को, और उसके बाद आग बुझाने के बाद हमने कुछ बयान ले आए, उसे पूछताछ के बाद हम उसे बैंड में डाल के यहाँ से ले गए हैं थाना। थाने के बाद वहाँ पुलिस वालों के लिए हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे जी, यहाँ से हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पर जो तुम्हारे
जो बनेगी एप्लीकेशन वगैरह उसके ऊपर हम जांच करेंगे और ऊपर से जैसे कोर्ट जारी आएंगे उसे हम तुम्हारी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करेंगे। तो हम क्या ऐसी मतलब वारदात रही जिसकी वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? इससे पहले भी कुछ हुआ था, क्या मामला था जी? इससे पहले जी हमारे जो चाचा जी और पिताजी उनको धमकी दी गई थी। धमकी देने से पहले ये कहता है जो हमारी बहन थी खेतों पर आया जाया करती थी, वहाँ पर कुछ लड़कों ने देखे मतलब किसी हमारे आम वो अमरूद का बाग ले रखा है, वहाँ पे अमरूद बाग में एक औरत रहती उन्हीं के गांव की, उनके गांव के लड़के ने बोला हम आरोपियों के गांव की, हाँ जी उन्होंने बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे हमें इस लड़की को पकड़वा दो। तो वो लड़की हमारे यहाँ पे जो बहन थी वो घूम फिर कर दी, वह आटा लेने गई चक्की पे। उसके बाद वो लेडीस आई है जो अमरूद बगिया में रहती थी, बोले कि चल मैं तुझे अमरूद खिलाऊंगा कुछ खाना वाना खिलाऊंगा घर चलो, वहाँ से बाद थोड़ी देर आ जाइए कुछ काम है। वो हमारी बहन जो वहाँ चली गई है, उसके बाद खाना वाना खिलाया है, उसे कुछ नशा की चीज़ दी गई है जो उसके हाथ पैर बांध के उसे खींच के ज्वार में बांध के डाल दिया गया है। उसके बाद हमारे पिताजी आते हैं, पिताजी उसको यहाँ पर ढूंढते नहीं मिलती है, पूरी रात निकली ढूंढते फिर सुबह को कुछ शक होने का है, वहाँ पर हम एक मिनट ढूंढा मचा दिए 17 तारीख में वहाँ पर नहीं मिलती है। तो एक पास में एक पड़ती बगिया के उसमें ढूंढते तो उसमें हाथ पर बंद हुआ नशे की हालत में हमें हमारी सिस्टर मिलती है। हम उसे बाहर निकाल कर पूछताछ करते हैं तो कुछ नाम बता पाती और कुछ नशे की हालत में कुछ नहीं बोल पाती। तो जब उसे उपचार के लिए आप ले गए थे तो बहन ने क्या बताया था, मतलब किस तरह की वारदात उसके साथ हुई थी, कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर उसकी मौजूद में बस एक लेडीज थी और एक लड़का था मौजूद में, और उस लेडीज ने बताया कि हम इसमें तीन शामिल हैं यहाँ पर, और जो एक आदमी है वो उसने हमें पैसे दिए थे 5,000 रुपये और ये लड़की पकड़वाने के लिए गया है कि वो हमसे ऊपर है और कुछ काम है कि लड़की पकड़वाना क्या है ये पूरी तरह से पूछ नहीं पाए हैं। तो इस मामले में आपने पुलिस को शिकायत करी थी, पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की और रिपोर्ट कब दर्ज हुई थी इस मामले में? जी उसी दिन जब हमारी बहन मिल गई उस बाद हम कार्रवाई करने हैं, पुलिस आई है। उसके बाद जी एक ही लड़का पकड़ा गया, उसके बाद कोई लड़का नहीं पकड़ा गया जिसमें कि जो उसके साथी थे, बस यही कहनी है कि धमकी तुम या फैसला कर लो या तुम हम तुम्हें बहुत बुरा कर देंगे तुम्हारे मतलब साथ। रिपोर्ट लिखने के बाद जो दबंग थे वो फैसले का दबाव बनाया करते थे, हाँ जी तो कह रहे फैसला कर लो या बयान बदल दो अपना, नहीं हम तुम्हारा बहुत बुरा कर देंगे। हमारी बहन थी फिर हमें इतनी गौर नहीं थी, हमारी बहन जो खेतों पर आ जाए फिर दोबारा ये फिर उसे धमकाया करते या तो तू अपना बयान बदल दे हमें या तुझे मार देंगे धमको कर देंगे, उसे भी धमकाया जाता। और कुछ 2-3 दिन से पहले से हमें कुछ ज़्यादा धमकाने पिताजी को जो भी हमारे चाचा जी हैं इनको भी धमका गया। यहाँ पर फिर कुछ रिश्तेदार की वजह से हमने खोलवाई नहीं करी कि हमारी बेइज्जती होगी कि हम घर में ही आकर धमका रहे हैं। हमारी बहन को भी धमकाया, वो इतनी डरी हुई थी हमारी बहन जो है कि उससे पूछ रहे हैं तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये जब वारदात को अंजाम दिया, अब इस मामले में पुलिस ने जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी, पुलिस का रोल कैसा रहा है इस मामले में? जी अगर ये अब बताया गया है कि अब 5 लोग पकड़े गए हैं और 5 लोग पहले पकड़े जा रहे हैं तो ये बात आती नहीं, हमारी बहन हमारे बीच होती अब जी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे साथ पीड़ित के भाई थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि 16 तारीख को उनकी जो बहन है छोटी किशोरी है वो उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी जबकि कुछ अज्ञात के खिलाफ पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत दी गई थी। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की काफ़ी ढील रही है, लापरवाही रही है, जिसके चलते आज उन दबंगों ने इस घिनौनी वारदात को यहाँ अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी और गमजदा माहौल में बुलंदशहर की बिटिया को अंतिम विदाई तो दे दी गई, मगर वो अपने पीछे अब भी कई सवाल छोड़ गई। सवाल की आखिर कब तक हैवान लूटते रहेंगे बहन बेटियों की आबरू, कब तक बहन बेटियों को यूं ही जलाया जाता रहेगा, सवाल कई हैं मगर उन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 News। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।